नमस्कार। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित पाठ लाख की चूड़ियां पर बातचीत करेंगे। लाख की चूड़ियां कामतानाथ जी की चर्चित कहानी है। यह कहानी लाख की चूड़ियां बनाने वाले एक कलाकार की है जिसका नाम बदलू है। बदलू के जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित होता है जब लोग लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पसंद करना और पहनना शुरू कर देते हैं। कामतानाथ जी ने बदलू के जीवन को बेहद संवेदनशीलता और आत्मीयता से उभारा है। यह कहानी औद्योगिक विकास के चलते बदलते ग्रामीण जीवन के संदर्भों को रेखांकित करती है और व्यक्ति की निजता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान और सहयोग की भावनाओं को भी दर्शाती है। आइए इस कहानी को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम कहानीकार के परिचय को जानेंगे। इस कहानी के लेखक कामतानाथ जी हैं। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। कामतानाथ जी ने आज़ादी के ठीक बाद के भारतीय समाज में होने वाले बदलावों को अपने लेखन का आधार बनाया है। उन्होंने बदलते हुए ग्रामीण यथार्थ और जीवन स्थितियों को उजागर किया है। इनकी कहानियों में निम्नवर्गीय जीवन, उनकी संवेदना, उनकी व्यथा, विडंबना और जिजीविषा का मार्मिक चित्रण मिलता है। आज़ादी के बाद तेजी से औद्योगिक विकास हुआ, उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम सामने आए। उसके चलते ग्रामीण जीवन में भारी उथल पुथल हुई। इस उथल पुथल को कई लेखकों ने अपने साहित्य में दर्शाया। कामतानाथ जी इसी धारा के लेखक हैं। कामतानाथ जी की प्रमुख कृतियां हैं समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, छुट्टियां, तीसरी आंख, सब ठीक हो जाएगा आदि। उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा उन्हें पहल सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान, यशपाल पुरस्कार और महात्मा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लाख की चूड़ियां कहानी भारत के कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालती है। भारत विश्व भर में हाथ से बनी सुंदर कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध था। हस्तकला उद्योग भारत देश की आर्थिक उन्नति और सबलता के प्रतीक थे। औद्योगिक विकास के बाद ये हस्तकला उद्योग लगभग समाप्त हो गए। इससे जुड़े लोग और कलाकार बेरोजगार हो गए। लाख की चूड़ियां कहानी इसी बदलाव के प्रभाव को उजागर करती है। यह कहानी तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। सबसे पहला है भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा का रेखांकन। दूसरा, औद्योगिक विकास के बाद बदलते ग्रामीण जीवन का चित्रण। और तीसरा है मानवीय रिश्तों में आने वाले बिखराव की ओर संकेत। यह कहानी लाख की चूड़ियां बनाने वाले एक कलाकार की है जिसको गांव के बच्चे बदलू काका के नाम से जानते हैं। बदलू काका के बारे में कहानी का एक चरित्र जनार्दन पूरी कथा कहता है। जनार्दन बचपन में जब भी अपने मामा के यहाँ जाता है तो बदलू काका उसे लाख की गोलियां बनाकर देते थे। तब जनार्दन लाख की गोलियां पाकर बहुत खुश होता था। जनार्दन बचपन में छुट्टियों के दिनों में अपने मामा के गांव आकर बदलू काका के पास जाया करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पिता का तबादला दूर के शहर में हो जाता है और वह बच्चा छुट्टियों में अपने मामा के घर नहीं आ पाता। कुछ समय बाद जनार्दन बड़ा हो जाता है और वह मामा के गांव आता है। बदलू काका से मिलकर उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है।
इन पर निर्भर परिवारों का रोजी रोजगार खत्म हो रहा है। यही कहानी की मूल कथा है। यह कहानी भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा को रेखांकित करती है। भारत में हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला की गौरवशाली परंपरा थी। बदलू काका जैसे बहुत सारे कलाकारों का जीवन उस पर निर्भर था। यह एक ऐसे समाज की परंपरा थी जहां लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और मानवीय संबंधों में बंधे थे। कहानी में प्रसंग आता है कि बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसके गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। वह कभी कभी चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेता था। लोग चूड़ियों के बदले उसे अनाज दिया करते थे। यह ग्रामीण समाज में मानवीय संबंधों और आपसी निर्भरता का एक रूप था। इसे कहानीकार कामतानाथ जी ने रेखांकित किया है। औद्योगिक विकास के बाद ग्रामीण समाज में तेजी से बदलाव हुए। छोटे उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होने लगे। आप कहानी में देखते हैं कि कांच की चूड़ियों के औद्योगिक उत्पादन के चलते लाख की चूड़ियों की मांग धीरे धीरे घटने लगी और उस पर आधारित लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक कलाकार कारीगर है। इस बदले हुए परिवेश ने उसके जीवन को संकट में डाल दिया है। बदलू काका इस स्थिति से दुखी और नाराज हैं। जनार्दन को लगता है कि इस बदली हुई व्यवस्था और मशीनी युग ने ग्रामीण कलाकारों के हाथ काट दिए हैं। कहानीकार ने इस बदलाव को बेहद मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। यह कहानी मानवीय रिश्तों में आने वाले बिखराव की ओर भी संकेत करती है। पहले के ग्रामीण समाज में सहयोग और सहभाव था। लोग एक दूसरे पर निर्भर थे, एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन मशीन युग में जो नया समाज बना है, वहाँ सहयोग और सहभाव की जगह मानवीय रिश्तों में बिखराव और अलगाव दिखाई देता है। कहानी नए समाज में मानवीय संबंधों में कड़वाहट का संकेत भी देती है। इसे आप कहानी के अंत में देख सकते हैं, जब नए बदलाव से आहत होकर बदलू काका जमींदार को रूखा जवाब देते हैं। कहानी कला। लाख की चूड़ियां कहानी कहने की कला सहज और सरल है। यह कहानी मैं शैली में लिखी गई है। इसकी भाषा बोलचाल की है। ग्रामीण परिवेश को जीवंत करने के लिए कथाकार ने मुहावरों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए हाथ कटना, दो चार बातें सुनना, मन मोह लेना, शंका भापना, निगाह ठिटकना, हार कर भी हार न मानना, शरीर ढलना आदि को देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहानी प्रभावी बन पड़ी है। कहानी की प्रासंगिकता, सार्थकता, महत्व। यह कहानी विकास के नाम पर हस्तकला की कारीगरी से कट जाने के संकट को दर्शाती है। भारतीय हस्तकला की समृद्ध परंपरा को रेखांकन करने के साथ औद्योगिक विकास के बाद बदलते ग्रामीण जीवन का चित्रण करती है और उसके चलते मानवीय रिश्तों में आने वाले बिखराव की ओर भी संकेत करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस कहानी में उठाई गई समस्याओं से भी परिचित हुए होंगे। धन्यवाद।